हेलो दोस्तों, नमस्ते। होजाई शहर के दौरे के इस दूसरे भाग में हम आपको अजमल साहब के घर, आसाम के सबसे बड़े मदरसों में से एक जमिया इस्लामिया जलालिया होजाई, अजमल फाउंडेशन का हम्स हॉस्पिटल, अजमल लॉ कॉलेज और स्वामी विवेकानंद स्टेडियम दिखाएंगे। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं अजमल साहब के घर से। दोस्तों, अब हम अजमल साहब के खूबसूरत बंगले में हैं। बहुत सुंदर इमारत और गार्डन एरिया है। सिक्योरिटी गार्ड हमें यहीं तक आने दे रहा है। वैसे भी उसने हमें यहाँ तक प्रवेश करने की अनुमति दे दी है, यही हमारे लिए काफ़ी है। उसको इसके लिए धन्यवाद। मैंने सुना है कि इस बगीचे में अनेक प्रकार के पेड़ हैं। मैं बस यही चाहता था कि मैं उसे देख सकूं, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार नहीं। उम्मीद है कि भविष्य में किसी और दिन। अब हम अजमल साहब के बंगलों से बाहर आ गए। उनके निवास के ठीक बाद असम के सबसे बड़े मदरसों में से एक जमिया इस्लामिया जलालिया होजाई है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। हम एक्सप्लोर करने के लिए इसके परिसर में गए। ये होजाई में एक इस्लामिक विश्वविद्यालय है। ये उत्तर पूर्व भारत में सबसे प्रतिष्ठित इस्लामिक विश्वविद्यालय में से एक है। यह विश्वविद्यालय का कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में एक मस्जिद, एक गेस्ट हाउस, एक बड़ा स्टोर रूम, एक पानी की टैंकी, स्टाफ क्वार्टर और एक 3 मंजिला मुख्य इमारत है, जिसमें कक्षाएं और छात्रों के लिए हॉस्टल भी शामिल है। पूरे आसाम और उत्तर पूर्व से भी छात्र यहां आकर रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। यहां 2000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं। यह सोसाइटी फॉर जामिया इस्लामिया जलालिया द्वारा चलाया जाता है। सोसाइटी फॉर जामिया इस्लामिया जलालिया पूरी तरह से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और बच्चों को फ्री एजुकेशन देती है। यह छात्रों को फ्री मेस और भोजन भी प्रदान करता है। इसके अलावा छात्रों को उनकी दैनिक जरूरतों के लिए सहायता भी देता है। मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। साथ ही छात्रों के लाभ के लिए समय समय पर मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप्स का भी आयोजन किया जाता है। सोसाइटी ने छात्रों के लिए कंप्यूटर कोचिंग के साथ साथ अंग्रेजी भाषा की कोचिंग के लिए प्रशिक्षण भी व्यवस्था की है। ওলাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা এতিয়া। তাৰপিছত আমি এতিয়া হস্পিটেলখনলৈ যাম, হাম হস্পিটেল। বিশ্ববিদ্যালয় সে বাহাৰ আনে কে বাদ হম হম হস্পিটেল আয়ে। হম ইয়ানে কি হজি আব্দুল মজিদ মেমোরিয়াল হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ। ইয়ে হোজাই শহৰ কে ঠিক চেণ্টাৰ মে স্থিত হে। हम हॉस्पिटल एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो कई प्रकार के चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। अस्पताल विभिन्न मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए इक्विप्ड है, जिसमें योग्य डॉक्टरों की एक टीम शामिल है। इमरजेंसी केयर के अलावा हम अस्पताल अपने रोगियों को मॉडर्न हेल्थ केयर सॉल्यूशन भी प्रदान करते हैं। अस्पताल एक नर्सिंग स्कूल भी ऑपरेट करता है, जो फ्यूचर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की एजुकेशन और ट्रेनिंग में योगदान देता है। इसके अलावा हम अस्पताल के पास एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, जो अपने कर्मचारियों और रोगियों के लिए एकोमोडेशन प्रदान करता है। उसके बाद हम दोपहर का भोजन करने के लिए अस्पताल परिसर के अंदर कैंटीन में चले गए। वहाँ हमने 3 राइस थालीज ली। खाना अच्छा था,
खासकर सूखी मछली की चटनी। एक कैंटीन के अलावा अस्पताल परिसर में एक 24/7 फार्मेसी, एक एटीएम और 2-3 दुकानें भी है। अब हम हॉस्पिटल से बाहर आ गए, हम वापस रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में हम आपको 2 और स्थान दिखाएंगे। ये एक स्टेडियम है जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद स्टेडियम। ये होजाय मार्केट में स्थित है। अंदर का नज़ारा दिखाने के लिए हम अब स्टेडियम में प्रवेश कर चुके हैं। वो एक इंडोर स्टेडियम है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम। यहाँ खेल देखने के लिए विशेष सीटों वाली एक गैलरी और एक इमारत भी है। आइए अब पहली मंजिल की गैलरी में चलते हैं और वहाँ से आपको स्टेडियम का नज़ारा दिखाते हैं। यह ऊपर से स्टेडियम का दृश्य है। यह बहुत बड़ा स्टेडियम है। सौभाग्य से आज 2 स्थानीय टीमों के बीच मैच है। डे नाइट मैचों को आयोजन करने के लिए स्टेडियम में 4 लाइटें भी है। हम कुछ देर वहाँ रुका और मैच देखा। इसके अलावा हम थोड़ा थके हुए भी थे क्योंकि हम कल रात सोए नहीं थे और पूरा दिन चलते भी रहे थे। इसलिए हमें यहाँ कुछ देर इंतजार करना और फ्रेश एयर लेना बेहतर लग रहा है। हवा भी चल रही है। एक बात जो मुझे चिंतित करती है और दुखी भी करती है कि इतना सुंदर स्टेडियम उपलब्ध कराने के बाद भी लोग इसका सही उपयोग नहीं करते हैं। गैलरी कूड़े से भरे है, आसपास कोई डस्टबिन भी नहीं है। साथ ही गुटखा और पान की थूक ने गैलरी को गंदा कर दिया है। गैलरी में बैठे कुछ खिलाड़ी मोबाइल फोन में व्यस्त है और उनके मुंह में गुटखा भरा हुआ है और वे इधर उधर थूक भी रहे हैं। स्टेडियम विशेष रूप से उनके लिए बनाया गया है, उन्हें इसका ख्याल रखना चाहिए और अगर वे एक अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो उन्हें इन सभी गुटखा और अन्य हानिकारक चीज़ों से छुटकारा पाना होगा। मुझे लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा कभी गुटखा नहीं खाते। स्टेडियम के ठीक पास हमने अजमल लॉ कॉलेज देखा। होजाय में स्थित अजमल लॉ कॉलेज होजाय एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो कानूनी शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा कॉलेज को लगातार भारत में शीर्ष लॉ कॉलेजों में स्थान दिया गया है। कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित है और गुवाहाटी विश्वविद्यालय से एफिलिएट है। ये स्ट्रक्चर किसी सिनेमा हॉल की तरह लग रहा है। हो सकता है कि ये पहले एक सिनेमा हॉल था। यह शहर एक छोर से दूसरे छोर तक सीधी सड़क के साथ फैला हुआ है। ट्रेन आने में अभी कुछ समय है तो उससे पहले हम शहर का पता लगाएंगे। हम पैदल चल रहे हैं, कोई ई रिक्शा किराए पर नहीं ले रहे हैं ताकि हम और बेहतर तरीके से घूम सकें। आखिरकार हम स्टेशन पहुंच गए। हमने अपने टिकट खरीदे और लगभग 2 घंटे तक इंतज़ार किया। फिर आखिरकार ट्रेन आ गई और हम अपने घर की ओर चल पड़े। यह एक सुंदर दिन था। हमें यह शहर बहुत पसंद आया और हम समझ गए कि इसे अजमल का शहर क्यों कहा जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। जल्द ही फिर मिलेंगे।